सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्या सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया, उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस, 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पर चयन हुआ सर उनका, उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों के गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा, एक बहू जो है एसडीएम बनी, उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है सर? मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर, मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं सर? अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग गया हूँ, तो सर उन्हीं के साथ।